नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, राम राम। सबको, सभी के धर्मों को, सभी के धर्मों की तरफ से मेरी तरफ से दुआ सलाम, इंसानों को, जानवरों को नहीं। आज मैं आपसे कुछ, मैं बहुत समय से एक वो श्रीमान शय्य सुज्जा जी हैं, उनके लिए मैं बहुत सारे दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरे मन में है वो मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि चोर अगर चोरी करता है तो वो गलत है। अगर हमने हमने अपने का घर लुटवाना है उसके लिए चोर का सहारा ले रहे हैं वो भी गलत है। आप कानूनी कार्रवाई से चाहिए, इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कीजिए कि किसी के घर में गलत पैसा पड़ा है, तो वहाँ से प्रक्रिया से आइए तो ज़्यादा बेटर है। अब वो जो कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, उस परिवार से मैं सहमत थी। ठीक है, आज बात आती है जो मेरे मन में कितने दिनों से ख्याल थे, इसी वजह से मैंने इस चीज़ को बाहर लाने की कोशिश की। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने किया, क्योंकि मुझे भी अपने कामों में बिजी रहना होता है। सबकी तरह मैं वेली नहीं हूँ, खाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ टैक्सी नहीं चलाना शो ऑफ के लिए, और मेरे पीछे बहुत बड़ा फिरौती का पैसा भी नहीं पड़ा हुआ कि जो मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती जाऊँ और खुद उस फिरौती के पैसे पे ऐश करती जाऊँ। मेरे पास वो अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है और मेहनत से जीना है। अब बात आते हैं सीधा सीधा पे, शय्ये सुज्जा। मुझे नहीं लगता कि वो करेक्टर एक सही करेक्टर है। सबसे बड़ी बात है, अब मेरे को चार शक होते हैं, मैं चारों के चारों शक आपके सामने रख देती हूँ। वो आज इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी 3 दिन के लिए बहुत बुरे से बिजी होना है पारिवारिक चीज़ों के अंदर, इस वजह से शायद 3 और 4 दिन मैं बात ना कर पाऊँ अच्छे से, और मैं जहाँ रहूँगी वहाँ शायद नेटवर्क भी ना हो, क्योंकि इट्स इन अ डिजिटल इंडिया। तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त कर दूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, और हो सकता है वो विचार सही भी हो और हो सकता है वो विचार सिरे से ही खराब हो, क्योंकि ये मेरा मानना है और मेरा सोचना है। ज़रूरी नहीं है हर इंसान की सोच बिल्कुल सही होती है, क्योंकि वो भी अपने आप को सही समझ रहा है, हम भी अपने आप को सही समझ रहे हैं। ठीक है, मकसद सबका इंडिया है, इंडिया इंडिया और सिर्फ इंडिया है। अब बात आ जाते हैं सैयद पे, सुज्जा पे। कहते हैं बीजेपी की हैकिंग करवाई तो उन टीम के सदस्य थे ये। सर मैं विचार ही रख रही हूँ। ठीक है, खान भाई नमस्कार, सभी लोग जो जो आते जा रहे हैं उनके लिए दुआ सलाम है। अच्छा, बात पे आते हैं। बात हुई कि इन्होंने 2014 के अंदर ईवीएम की हैकिंग की। ठीक है, इससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, हैकिंग के बाद सरकार मिली, मतलब मौजूदा एक सरकार थी उसके होते होते दूसरी सरकार जिसको आने का नहीं पता था उसने जानबूझ के सांठ गांठ कर ली और मौजूदा सरकार का तख्ता पलट दिया, मतलब कांग्रेस का तख्ता पलट दिया। ये तो एक सोचने से भी परे की बात है। दूसरा, बीजेपी ने इनको पूरे इनको हैक करने के लिए रख लिया, बीजेपी ने रखा हैक करने के लिए। ये पूरी टीम ने मशीनों को हैक कर दिया, जितने मर्जी प्रोसीजर लगे, जितना मर्जी टाइम लगा। और वैसे जो रिलायंस के टार थे 2011 से लगने शुरू हो गए थे, उससे पहले से लगने शुरू हो गए थे जियो के टार्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2010 या 11 की प्लानिंग थी। क्या कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं हुई कि आने वाले समय में हमारा तख्ता पलट रहा है? ठीक है, और उसके बाद बीजेपी ने इनको हैक करने के लिए हायर कर लिया, इन्होंने सबने हैक कर दिया। तो क्या इन्होंने बीजेपी से पैसा नहीं खाया होगा? क्या हैक फ्री में किया होगा? भेलपूड़ी खाई होगी या सिर्फ लड्डू लिए होंगे या दाल पूड़ी ली होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, जो वो पैसा इन्होंने लिया वो पैसा कहाँ है? फिरौती का पैसा था ना, गलत काम का पैसा था ना। उसके बाद दूसरी बार जब आपकी पार्टी के लिए, जब आप पार्टी जीती थी वो गलती से जीती थी, क्योंकि इनकी हैकिंग फेल हो गई थी। इनकी हैकिंग होनी थी बीजेपी के साइड पे और गलती से वो हैकिंग हो गई थी आपकी साइड की। तो मतलब उस टाइम पे चलो फेलियर नोटिस हुआ, पर स्टिल तब भी तो इनको पैसा मिला होगा, काम तो इन्होंने किया होगा। और कोई भी ऐसा घपले वाला काम है, आपको एडवांस में पेमेंट होती है और जब पूरा काम हो जाता है तो पूरे काम में, जैसे वो फिल्मों में नहीं देखते कि सुपारी देने जा रहे हैं, हम आधा पैसा ये है आधा पैसा ये है। ईवीएम का एक करने वाला और कराने वाले दोनों गुनहगार रहे, डॉक्टर सुप्रिया दोनों जी भैया। अभी हम उसी बात पे आते हैं। तो बीजेपी ने पैसा दिया दूसरी बार भी, वो दूसरी बार का पैसा कहाँ है? अब पैसा कम से कम भी 100 रुपये, 200 रुपये, 10 हज़ार, आजकल मर्डर करने के लिए भी एक एक दो दो लाख रुपए, करोड़ रुपए मिलते हैं, तो इनको हैक करने के लिए कितना पैसा मिला होगा? वो पैसा कहाँ है? 8 सदस्यों का। ठीक है,
अब ये जिंदा थे, इनका पैसा कहाँ है? उसके बाद आपके लिए क्या, तब पैसा कहाँ है? अब आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जो दो बार इनकी टीम को खरीदा, क्या तीसरी बार ये बिके नहीं होंगे? जो दो बार बिक चुके हैं, क्या तीसरी बार नहीं बिके होंगे? मेरा पहला शक। मेरा दूसरा शक, अब कांग्रेस को आज के हालात पे पता है कि कांग्रेस विन विन कंडीशन में नहीं है, 100% क्या 80% भी विन नहीं कर सकती। तो कांग्रेस ये सोचे कि अगर मान लीजिए 100 वोट हैं, तो 100 वोट में से 40 वोट हमें मिलेंगे, 60 वोट बीजेपी को मिलेंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी, शुज्जा जैसे इंसान को परचेज कर लेगी। अब वो बिकने को तो तैयार है, बिक जाता है। बिकने के बाद अब शुज्जा ने क्या करना है, आप सब लोगों का माइंड मेकअप करना है। अब जो आप बिल्कुल बीजेपी की तरफ जा रहे थे, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ना वो तीसरी बार बीजेपी से बिके, क्योंकि वो कपिल सिब्बल की फोटोग्राफ आई है, कपिल सिब्बल का नाम आया, सब चीज़ें आई हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस ने सैयद शुजा को खरीद लिया हो। अब वो उनका षड्यंत्र क्या था, 100 लोगों में से 40 वोट हमारे, 60 वोट बीजेपी के। अब बीजेपी को अगर 60 वोट मिल गए तो बीजेपी विन विन कंडीशन में आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो हमारे नाम से कोई वोट नहीं देगा क्योंकि हमारी तो छवि खराब है, क्योंकि पिछले 70 साल तो हमारे गिनाए जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम बीजेपी के जो 60 वोट मिल रहे हैं, उस वोट में से 30-20 वोट भटका देते हैं। जब वोट भटका देंगे तो उसमें से भटके हुए वोट में से 10-12 वोट हमें मिल जाएंगे, और उनके खाते में से वो भी 40-50 पे अटक जाएंगे, हम भी 40-50 पे अटक जाएंगे, 40 पे अटक जाएंगे, जो 20 के हैं 20 में कभी उधर बैठ गए, इधर बैठ गए, हमारी टोपी बच जाएगी, हमारी इज्जत बच जाएगी। दो, तीसरा, सैयद शुजा, हो सकता है जो 8 लोगों की टीम थी वो बिकी ना हो, वो गवर्नमेंट के अंदर थी और उसने कुदरती ये सारा स्कैम कर दिया हो। उनमें से ये सैयद सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक पार्टी ने खरीद लिया हो, और सिर्फ एक बिकाओ, बाकी ना बिके हो, इसने षड्यंत्र रच के बाकी सबको मरवा दिया और खुद सेफर साइड होके अमेरिका चला गया हो। जाता है ना, फिल्मों में देखने को मिलता है, आपका 5-10 का गिरोह है, 5-10 में से एक बंदा क्या करता है, सबको फंसा के खुद निकल लेता है। हो सकता है ये खुद निकल चुका हो। चौथी बात, ये तीन बातें, पहला बीजेपी का, हो सकता है बीजेपी री री करके खरीद रही हो इसको, री रीपरचेज रीपरचेज रीपरचेज। अब जो परचेजिंग अमाउंट था, जितने में ये बिके थे, वो तो ये राशि नहीं बताते, यहाँ तो बता दीजिए कितने में बिके थे, जितने में बिके थे क्या वो राशि अब कहाँ पे है? वो राशि वाइट में तो हो नहीं गई होगी, बिकने की राशि थी, और बिकना कोई ऑफिशियल काम है नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, कांग्रेस ने इनको अब खरीद लिया हो कि ताकि वो जो वोट बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी को भी नहीं जाएंगे, जो वोट कांग्रेस को आ रहे थे वो कांग्रेस के थोड़े से बढ़ जाएंगे, अगर वगैरह दोनों बराबरी बराबरी में आ जाएगी और इज्जत बच जाएगी, कांग्रेस का इंक्रीज हो जाएगा, बीजेपी का डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें एक हमारी अलग से छवि आ जाएगी। तीसरी कंडीशन, वो 7-8 सदस्यों की टीम में से सिर्फ सैयद सुज्जा बिक गए हो, बाकी 8 कहते हो नहीं हम नहीं बिकेंगे, तो सैयद सुज्जा ने प्लानिंग करके उन सबको मरवा दिया हो, क्योंकि वहां पे जो हैदराबाद में नेक्स्ट डे जो कांड हुआ, लाशों में घुसे, तो सिर्फ इन्हीं ये बच के कैसे निकल गए? अच्छा, अगर ये बच के निकल गए तो ये एयरपोर्ट से गए होंगे, इन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में दिए होंगे, जो अमेरिका को अप्रोच किया होगा। अब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर इनको सैयद शुजा बताते हैं, तो वो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बताते हैं? फिर से एक और कन्फ्यूजन है, यानी कि इस इंसान की किसी भी बात पर आप विश्वास नहीं कर सकते। फिर जो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई, एक भी सबूत नहीं था इनके पास, एक भी सबूत नहीं था। और कॉन्फ्रेंस वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि जिस कॉन्फ्रेंस पे वे बहुत सारे टीम स्टेडियम लगाओ, जैसे मैच दोबारा वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह से वो कॉन्फ्रेंस तो 4 दिन बाद, जिस दिन वो चोट ठीक हो गई थी उसे 4 दिन बाद कर लेते, 5 दिन बाद कर लेते, भाई 10 दिन बाद कर लेते। आपने अभी तक वो कॉन्फ्रेंस उनके साथ नहीं की, एक इल्ज़ाम लगा के आ गए और आपके पास कोई सबूत नहीं। जैसे अभी मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी बातें कंफ्यूज वाली नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? कंफ्यूजन आपको वो पैदा कर रहा है जो बोल रहा है कि हम ये हैं हम वो हैं। उसके बाद आपको याद होगा, पेटीएम पे खुलासा किया था कोबरा गैंग ने, कि उसने सभी लोगों की डिटेल्स एक जगह पर बेच दी, ठीक है? आपको क्या लगता है, आप जितने वीडियोस बना के अपने फोन से दे रहे हैं, आपके उस फोन नंबर पे आपके बैंक अकाउंट नहीं है, आपके फैसिलिटी वाले अकाउंट्स नहीं हैं, और आपके नंबर से आप दे रहे हैं और आप अपनी शक्ल दे रहे हैं, अपनी आवाज़ दे रहे हैं, क्या आपकी डिटेल उसके पास नहीं जा रही है? और वो आपका डाटा कितने रुपए में बेचेगा आपको नहीं यकीन है?
ठीक है। फिर उसके बाद ये तो सारी बातें हो गी, यानी कि सैयद सुजा अभी भी शक के दायरे में, उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत है तो सबूत दिखाइए आपके पास कोई। अच्छा, जब आप नौकरी करते हैं कहीं भी, आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी में करें, घटिया कंपनी में करें, आपके पास एक आई कार्ड होता है। इवन कि जो साइंटिस्ट होते हैं, तीन तीन चार चार महीने घर से गुम रहते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, अपने सिर्फ काम के अंदर बिजी रहते हैं, उनके पास भी आई कार्ड होता है। चलो ठीक है, स्कूल से आपका रिकॉर्ड उठा दिया, कॉलेज से आपका रिकॉर्ड उठा दिया, सब कुछ कर दिया, वो आपके कुछ तो पुख्ता होंगे। मेरे पास जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, उसका एक ज्वाइनिंग लेटर था, एक सैलरी लेटर लेटर था, बैंक अकाउंट की डिटेल थी। मैं आज भी प्रूफ कर सकती हूँ कि मैं उस कंपनी में जॉब करती थी, मैं उस जगह पे जॉब करती थी, या मैंने कल क्या सामान बेचा है, मैं उसका भी प्रूफ दे सकती हूँ। पर क्या आप प्रूफ दे सकते हैं? आपने कभी कॉलेज के टाइम पे डिग्रियां ली थी, आपके पास डिग्रियां थी, आप अपनी डिग्रियां दिखा दीजिए। क्या सही है सुझा? आप 10वीं की मार्कशीट दिखा दीजिए, 12वीं की मार्कशीट दिखा दीजिए, कुछ दिखा दीजिए, पर वो फेक नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे प्रधान साहब की हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि आप एक उस इंसान को सुन रहे हो जो इंसान शुरू से लेकर आखिरी तक झूठा है, और जब आता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है, आप कहते हैं कर दें। अच्छा, अगर आपके पास इतनी ही ताकत थी, आप 3.5 साल से बीजेपी सोल्ड इंडिया का एक ग्रुप बना के बैठे हैं, आपकी दाल नहीं गल रही थी। थोड़े दिन पहले हैदराबाद में चुनाव हुए थे, और एक जान परिचित एक भैया है अल हाजरी, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं ले पाऊंगी उनका, तो उन्होंने इलेक्शन में खड़े हुए थे। अगर आप में तब दमखम था, आप उस टाइम पे वो भैया के लिए अपनी हुनर दिखाते, क्योंकि वो तो आपके हैदराबाद के थे ना। अब उनकी जो ऑपोजिशन वाली पार्टी थी, क्योंकि एमकेडी परिवार तो उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था, और आप तो एमकेडी के टच में पिछले 1.5 या 2 साल से हैं। अल हाजरी भैया को आए हुए, मेरे ख्याल से शायद दिसंबर या नवंबर का उनका कोई चुनाव था, उस चुनाव के अंदर वो खड़े हुए थे। अगर आप में शौर्य था, दम कम था, आपने तब क्यों नहीं करके दिखा दिया? एक शायद उनकी MIM पार्टी है अकबरुद्दीन अवैसी की, उनको हरा के दिखा देते हैं। तब कहाँ था? आप तो हैदराबाद के थे ना, आपकी टीम तो वहीं पे बैठी हुई है, आपकी तो जड़ें हैं ना वहां की। इसलिए भाई साहब, जब आप में दम खम नहीं है ना, तो आप बात मत किया करें, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई मेरी तरफ से, कि ये बीजेपी के भी हो सकते हैं खरीदे हुए तीसरी बार, ये कांग्रेस के पहली बार खरीदे हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को पता लग गया था, आपने और बीजेपी ने इनसे काम कर लिया, तो चलो अब हम लेते हैं, हम बीजेपी के वोट कटवा देते हैं, ताकि हमारा कुछ बढ़ जाएगा, उनका घट जाएगा। भाई, दूसरे का घर जले तो जले, कोई बात नहीं, अपने घर तो ताप मिल जाना चाहिए, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बढ़ानी है, ठीक है। चौथे में ये कि अपने ही साथियों को खुद मरवा के खुद अपने आप को वीर बजरंगी बन गए होंगे, और हो सकता है उन्होंने कर लिया, क्योंकि ऐसा फिल्मों में भी देखने को मिलता है, और चरित्र हर तरह के इंसान के पास है। मैं अपने दिमाग की उपज बोल रही हूं, मैं किसी भी पुख्ता सबूत के साथ नहीं बोल रही कि वो ऐसा ही है। हो सकता है, एक और बात, कि ये सैयद सुजा हुई ना, वो भी उस भीड़ में मर गया हो, और ये उसके चार टुकड़े लेके घूम रहे हो, पॉसिबल, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाते हैं, आज सुबह मैंने इनका वीडियो देखा, इनके वीडियो में एक इन्होंने बताया, करनाल के एक MP हैं मिस्टर चोपड़ा, उनके बारे में बता रहे थे, ये उनकी सैलरी स्टेटमेंट है, ये मिसेस किरण का ये है, ये है, ये है, इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा कहाँ से आया। अगर मैं बात बता दूं, उनके पास तो सबूत सिर्फ वो थे जो नॉर्मली ऑनलाइन सबको मिल जाते हैं। आप किसी भी नेता की डिटेल निकाल लीजिए, जो पर्चे भर रहे हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होके नहीं भरते हैं, पर स्टिल आपको उनकी डिटेल बिल्कुल सामने दिखाई देती है। अब मैं बताती हूँ, वो परिवार था लाला जगत नारायण चोपड़ा जी का, जो अभी स्वर्गवास कर चुके हुए हैं, ठीक है। वो एक कर्मठ इंसान थे, जिन्होंने पंजाब केसरी न्यूज़पेपर, हिंद समाचार न्यूज़पेपर चलाया था, ठीक है, और ये बात है 47 से पहले की। अब मैं भी बता दूंगी कि मैं उनको कैसे जानती हूँ। उनके दो बेटे थे, एक विजय चोपड़ा और एक रमेश चोपड़ा। लाला जी बोला करते थे, जो उनके वो ऑनर थे मिस्टर जगत नारायण चोपड़ा, जिनका स्वर्गवास हो चुका हुआ है। लाला जी के दो बच्चे थे, विजय चोपड़ा एंड रमेश चोपड़ा। विजय चोपड़ा और उनकी वाइफ सुदेश चोपड़ा आज भी हैं, और उसके बाद दूसरे बेटे थे रमेश चोपड़ा और सुदर्शन चोपड़ा। रमेश चोपड़ा जी की डेथ हो चुकी है 75 के बाद, और उनको उग्रवादियों ने मारा था, जैसे पिताजी को लाला जी को उग्रवादियों ने मारा था, उसी तरह रमेश चोपड़ा को भी उग्रवादियों ने मारा था। अब जो इनकी बात जिनकी बात ये कर रहे थे, वो उनके पुत्र और पुत्रवधू हैं,
जो इंसान 47 से पहले खानदानी अमीर है, एक न्यूज़पेपर चलाता है, और पंजाब केसरी कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, वो न्यूज़पेपर बहुत जगहों पे बिकता है, आपके आसपास भी बहुत सारे स्टेट्स में बिकता है, ओवरसीज़ में बिकता है। एक टाइम अब आया है कि 5-10 साल में, ठीक है वो थोड़ा सा फेड हुआ है मैं मानती हूँ, पर स्टिल इससे पहले वो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर हुआ करता था। जिसका न्यूज़पेपर चलता होगा ना, उसके पास पैसे भी खूब होंगे, ठीक है। अब वो बोलते हैं ये जायदाद कहाँ से, जब बाप के जाने के बाद वो जायदाद बच्चों में आती है, बच्चों के बाद उनके बच्चों में आती है, इनके पास भी खानदानी जायदाद होगी तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इन्होंने फिर भी वो लाखों का ब्योरा दे दिया, तो भाई साहब आपका वो फिरौती का ब्योरा कहाँ है, ठीक है। अब मैं कैसे जानती हूँ, मैं बताती हूँ, मेरे नाना जी हैं ये स्वर्गीय गिरधारी लाल भंडारी, ये उर्दू के शायर थे और फ्रीडम फाइटर थे। 4 साल फ्रीडम फाइटर के अंदर इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के साथ और बहुत सारे दिग्गजों के साथ जेल यात्रा की है अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। ये मेरे सगे नाना जी हैं, इनकी बेटी की मैं बेटी हूँ, ठीक है। और इन्होंने और लाला जी ने इकट्ठे न्यूज़पेपर चालू किया था, और उस टाइम पे ये लोग फैमिली मेम्बर्स थे। मैं इस वजह से इस पूरे परिवार को जानती हूँ। और जिनकी आज बात कर रहे थे ना मिस्टर चोपड़ा, उनके फादर मेरी मदर की शादी में, मेरी मदर की शादी हुई थी 1975 में, ठीक है, और हमारे घर में वो आए थे। और अगर इनको किसी के बारे में ना पता हो ना, तो प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखिए। अगर किसी के पैसे का ब्यौरा लेने आप, हाँ पूछिए जाके, आप अपने मंत्री से जाके पूछिए, पूछते क्यों नहीं है। अरे भाई आपसे कौन पूछेगा आपका वो पैसा कहाँ है, ठीक है, जो आपने फिरौतियाँ 3 या 4 बार लिया, आप उसने पैसे की डिटेल बताइए, कौन से धर्म संस्थान चलाए थे, कौन से राशन की दुकान चलाए थे, कौन सी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पैसा दे आए थे, कौन से राष्ट्र कोष में आप पैसा दे के आए थे, ये बताइए। और उन अगर बिके सिर्फ सारे के सारे थे तो सबकी डिटेल दे दीजिए, क्योंकि अब मेरे साथ रहने वाले, अब जैसे मैं इतने पुराने लोगों के बारे में बता रही हूँ, तो आप भी तो अपने 8 सदस्यों के बारे में जानकारी, वो तो मर चुके हैं ना, उनकी जानकारी तो आप दे दीजिए ना। आपकी टीम काम कर रही है, आपकी टीम काम कर रही है, और आपको 300, ये जो रोज के 3,000 मैसेजेस आते हैं, ये पढ़ने के लिए आपके पास टीम नहीं है, टीम है आपके पास। जब आप अपने ही लोगों को नहीं जिता सके तो आप क्या करेंगे। आप कल इरोम शर्मा जी का आप रेफरेंस दे रहे थे कि बहादुर सिंह जी आपको आपको जिताने की आपकी उम्मीद पर, आप बहुत कर्मठ हैं, आपका भी हाल वो भी हो सकता है जो इरोम जी का हुआ था। मुझे एक बात बताइए, मार्च में इलेक्शन हुए थे 2017 में, एमकेडी एग्जिस्ट करता था, एमकेडी ने मैं इरोम जी का साथ क्यों नहीं दिया, वहां 90 लोग क्यों आए उनको जिताने के लिए, सिर्फ 90 वोट पड़े क्या। 90 वोट के अंदर 90 में से क्या 100-150 लोग भी नहीं है जो चंडीगढ़ से या इरोम जी के इलाके से हो, जो एमकेडी को फॉलो करते हो। और आपने परचम क्यों नहीं लहराया, आपके लोग क्यों नहीं वहां पे गए। ये मक्खन की टिकिया बांट से कुछ नहीं होता, बस दूसरे के गिरेबान में झांकना। अपना गिरेबान किसी ने देखा है, आपके पास कितना पैसा है आपने देखा है, और सारा का सारा फिरौती का पैसा है सुज्जा जी। और अभी उस दिन थोड़े दिन पहले इन्होंने वो 12 गड्डियां दिखाई थी नोटों की, हमारे पास $1,40,000 आया है, वो कहाँ है। मेरे ख्याल से देखिए, मैं बहुत कानून की पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर नहीं हूं, जब किसी के पास कोई, आप चलते हुए भी आपको कोई अनजान वस्तु दिख जाती है, तो आपका पहला राइट होता है पुलिस को इन्फॉर्म करना। क्या अमेरिका में फिरौती के पैसे आए तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। और उसके बाद उस पैकेट को खोलना और उस पैकेट को काउंट करने की आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वो पुलिस की कस्टडी होती है, पुलिस काउंट करती है कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ बरामद हो जाए। तो आपने क्या किया, खुद ही वो पैकेट खोला, खुद ही वो आगे, हो सकता है उस पैकेट में डबल पैसे हों और आपने सिंगल पैसे दिखा दिए हों, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हम नहीं जानते ना। अच्छा, उसके बाद आपके पीछे इतने टाइम से आपको सिक्योरिटी मिली है, इतना कुछ मिला है, मैंने सुना कि आपके साथ 2 गार्ड भी होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो मैंने सुनने में आया, क्योंकि मैंने तो आपको देखा नहीं है ना ही मेरी कभी आज तक आपके साथ कोई बात हुई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, ठीक है। अब आपने क्या अपने घर के आगे कैमरा नहीं लगाया होगा, वो आया तो गेट से ही होगा ना, वो मिस्टर इंडिया तो था नहीं, घड़ी डाली जू जू करता वो शक्तिमान की तरह आपके आंगन में उतरा, आपको ये पैसे पकड़ाए और ऐसे जू जू करके आंगन में से उड़ गया, घड़ी उतारी वो आपको दिखे ही ना, ऐसा तो था नहीं, वो मिस्टर इंडिया तो था नहीं। अब उसके आने जाने सबका कोई तो रिकॉर्ड होगा आपके पास, अमेरिका में रहते हो ना, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मेरे घर में भी कैमरा लगा हुआ है, मेरे घर में कोई पीछे से आता है ना या मेरे घर में कोई आता है तो मुझे पता लग जाता है कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, आपके घर तो होना चाहिए था। उसके बाद
आप उस पैसे को खुद ही बता रहे हो कि हम यहां बांट देंगे, हम वहां बांट देंगे, हम एमकेडी को दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साहब, वो आपका पैसा नहीं है, आपकी ये 10 नाखूनों की कमाई नहीं है, वो सरकार का पैसा होता है। और अगर कहीं भी सरकार शराब का ट्रक, चरस, कोकीन, गांजा, कुछ कुछ भी बरामद करती है, सपोज करो अगर पुलिस वालों ने 1 किलो कोकीन बरामद किया, अब क्या पुलिस वाले कोकीन लेके क्या सब में बांट के खा लेंगे? चलो चलो यार हम खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको कागजों में चढ़ाएंगे, कागजों में चढ़ा के उसको डिस्पोज करने तक का पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है, वो एक चुटकी भी उसमें से नहीं बेच सकते। ठीक है, तो आपने कैसे इस पैसे को इस्तेमाल करने की सोच ली? और हो सकता है आपके पास कोई ऐसा कानून हो कि आप बहुत बहुत पुख्ता आदमी हैं, बहुत ब्लू ब्लड आदमी हो सकता हूँ, वो स्पेशल रीजन से आदमी हो कि आपके पास पीछे इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है यार हम खुद ही इसका फैसला कर लेते हैं, हम बहुत, मैंने सुना हम ये फैसला कर लेते हैं। ये फैसला आप नहीं कर सकते, ये आपको सरकार को कर, आप भारत सरकार के पास डरते हैं, आप में दम नहीं है भारत सरकार के पास आने का। तो आप एक काम करिए ना, अमेरिका में क्यों नहीं, पैसे $2 था ना, तो अमेरिका में जाके, अमेरिका का क्या कानून ये बोलता है कि आप फिरौती का जितना मर्जी पैसा है अपनी जेब में डाल लीजिए? बहुत बहुत अच्छी बात करते हैं आप, अगर आप में इतना ही दम है तो आप आ जाइए ना इंडिया में, इंडिया में आप नहीं आ सकते। मेरे चारों शक प्लस उस पैसे का हिसाब किताब आपके पास नहीं है, और आप ये सोचते हैं कि इसके बाद हमें 350 करोड़ देने की ये आई थी, हमें क्या पता आप 350 में बिक भी गए होगे, तो जो पहले बिका वो अब नहीं बिक सकता, बिक सकता है बड़े आराम से, और आप जैसों की तो औकात ही नहीं है। और आप खुद सोचिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, और इसके बाद अगर जिताना है तो आज की डेट में आपको अपने 400 कैंडिडेट खड़े करने की क्या जरूरत थी? जो कैंडिडेट सच्चे खड़े हो रहे थे, जैसे कन्हैया कुमार है, संघर्ष किया उस इंसान ने, ठीक है, और उसके बाद आपके फौजी हैं, इन्होंने संघर्ष किया है, इरोम शर्मा जी को पूरा सपोर्ट करते, अल हाजरी भाई को सपोर्ट करते, कितने सारे लोग थे, समय आने पर उनको तो सपोर्ट किया नहीं, एक नई 400 की टीम खड़ी कर दी जिनका ना अगला जानते हैं ना हम पिछला जानते हैं, और उनमें से भी वो आपकी पारिवारिक, फिर कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अपने घर वालों को सीट देते हैं, आप भी तो दे रहे हैं, और लिस्ट अभी तक जारी नहीं है, और मेरे ख्याल से इलेक्शन आने वाले हैं 11 को ना, अभी तक आपके पास लिस्ट नहीं है, आपका क्या भरोसा? आप कह दें, आप तो 40 लोगों को खड़ा कर दे पहले वाले में से, और बोले जी मैंने तो सिर्फ 2 ही किए थे और 2 में से 1 नहीं जीता, सॉरी अगली बार कर देंगे, आप तो दल बदलू है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको, अब मैं बताती हूँ पंजाब केसरी का, मैं आपको ये फाइल भी दिखा देती हूँ जिस वजह से आपको चाहिए कि मेरे नाना की फ्रीडम फाइटर पेंशन पेमेंट फॉर फ्रीडम फाइटर, और ये देखिए ये पेज की लाइफ देख लीजिए, और ये सबूत है ये मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, और इसकी स्टैम्प्स मैं दिखा देती हूँ जो पंजाब केसरी से लगी हुई हैं, ठीक है, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो कहानी बोल रही हूँ वो सच है। अगर किसी को अपनी कहानी बतानी है तो प्लीज़ वो पुख्ता सबूत के साथ बताइए, बिना सबूत के मत बताइए। और ये सारे के सारे पेपर्स हैं ना, पेपर्स की लाइफ पूरा का पूरा है, देखिए मैं आपको, देखिए हिंद समाज न्यूज़पेपर है, इसके अंदर मेरे नाना जी का डिक्लेरेशन है, और उसके बाद ये साइन देखिए, विजय कुमार, विजय कुमार वो हैं जो उनके बेटे थे और अश्वनी के ताया जी थे, ठीक है, और ये मेरी नानी माँ का नाम है, और इस तरह से करके ये पुख्ता सबूत है मेरे पास। आपके पास सबूत है तो बताइए ना। अधजल गगरी छलकत जाए, इंटरनेट से गूगल से आपने इन्फॉर्मेशन उठा ली कि किसी की प्रॉपर्टी कितनी है कितनी नहीं है, और आपने अपने सबूतों को देख के बता दिया। भाई साहब ये सोच लिया कीजिए, सारे आपकी तरह बिन पेंदे के लोटे नहीं है और बिकने वाले नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप में दम हो, अच्छा फिर उसके बाद एक इनके पास रिकॉर्डिंग आती है, हमारे पास 200 मिनट है, हमारे पास 100 मिनट है, अरे मात्र 10 या 15 मिनट की रिकॉर्डिंग दिखाई और आप हल्ला हल्ला बंद हो गए, कहाँ है बाकी की रिकॉर्डिंग? अच्छा अब मेरी आवाज़ आज की, मेरे अगर 10 वीडियोस हैं, 10 वीडियो में से आप टुकड़े काट लीजिए, जो जो सेंटेंस आपको, अगर इसमें से ये सेंटेंस पसंद आ रहा है, दूसरे में से दूसरा आ रहा है, हर 10 वीडियोस में से आप 15 सेंटेंस निकाल लीजिए और फॉरेंसिक को दे दीजिए। अब फॉरेंसिक क्या बोलेगा
ये 15 के 15 टुकड़े और ये 15 के 15 की आवाज सुप्रिया कपूर की ही है, और सुप्रिया कपूर की ही आवाज है। फॉरेंसिक लिख के दे देगा ये ऑथेंटिसिटी है, ये सुप्रिया कपूर की आवाज है, पर वो ये नहीं बताएगा ये सेम इंसिडेंस है। अब औरत की भी आवाज ऐसी थी, आदमी की भी आवाज ओरिजिनल आवाज थी, मैं तो नाम भी नहीं जानती हूँ लोगों के, ठीक है, ओरिजिनल आवाज थी, पर वो टुकड़े कहीं कहीं से उठाए थे, ये तो सबको पता है। तो आप पैच वर्क करके किसी चीज को आप क्या कह सकते हैं? आपके घर में एक डिनर करने के लिए मैंने बुलाया हो आपको, और मैं बोलूँ ये पनीर की सब्जी मैंने बनाई है, राजमा मैंने बनाए हैं, ये मैंने बनाया, पर स्टिल अगर वही चीजें 6 अलग अलग होटल से ले आऊं, खिला तो मैं दूंगी आपको, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, पर अंदर से रिग्रेशन तो रहेगा ना, प्रूफ तो नहीं है ना वो मैंने। और वो अगर फॉरेंसिक में भेजा जाए तब भी यही होगा, सही पका सही नहीं पका, बर्तन में पका, पर पकाया किसने है ये तो नहीं पता लगेगा ना। उसी तरह आपने जितने भी ऑडियो का सबूत दिया, उस ऑडियो सबूत में जगह जगह से आपने टुकड़े निकाल के बताए, जबकि वो टुकड़ा एक इंसिडेंस का नहीं था, जबकि वॉइस ओरिजिनल थी। आपकी रिपोर्ट भी कहती है वॉइस ओरिजिनल थी, अब इंसिडेंस बताइए ना, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? और आप लोग जो लोग सुज्जा जी को भगवान समझ रहे हैं ना, तो वो जरा सोच लीजिए, आपके भगवान एक करप्शन से लिप्त हैं, बार बार बिक चुके हैं, ठीक है, और बिकने को तैयार हैं और बिकते ही रहेंगे। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, ठीक है। अब अगर उनको सबूत चाहिए हो, हाँ, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं नहीं जानती, मैं पंजाब केसरी के बारे में नहीं जानती, एक काम कीजिएगा, मेरे नाना जी का नाम, पंजाब में कितने सारे लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, जलंधर से भी बहुत सारे लोग होंगे, जलंधर में उनका घर है, अभी जो वहां पे हैं मिस्टर विजय चोपड़ा हैं, उनकी वाइफ है सुदेश चोपड़ा, और रमेश चोपड़ा जी की डेथ हो चुकी है, उनकी बीवी है सुदर्शन चोपड़ा, आगे ये पुत्र, के नाम से नवा शहर वालों को जानते हैं, वो सीधा आपको बताएंगे वो हमारे पगड़ी के भाई हैं, वो इस तरह हैं, वो इस तरह हैं, ठीक है। मेरी मदर की शादी तक वो लोग आए हैं और अभी भी मिलते हैं हमें, ठीक है। ये ना ताक साक किसी और को देना, गूगल से कोई भी चुरा के ले आता है, अब्बा मत बनो किसी के, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे और भी नाराज हो जाएंगे, और वो चेले चपाटे मुझे ना खाने के किचन के अंदर चम्मच बहुत ज्यादा, ठीक है। आप कुछ लोग हैं, आप अपना कुछ, मैंने अभी तक किसी का भी कोई भी मैसेज नहीं पढ़ा, कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा, इनमें से कोई कमेंट हो, ठीक है, तो वो मुझे बता दीजिए। और अभी फिर से मैं बता रही हूँ, चारों मेरे शक हैं, उसको बीजेपी तीसरी चौथी बार खरीद सकती है, कांग्रेस वोट काटने के लिए खरीद सकती है, वो बिक गया था, सबको उसने मरवा दिया, ठीक है, और वो दोबारा बिकने को तैयार हो गया, और उसे होगा कुछ भी नहीं। हाँ, एक वो ईवीएम मंगाने की बात कर रहे हैं, पहले बात बता देती हूँ आपको, जिस ईवीएम को लाइव स्क्रीन करेंगे ना, जो उनसे होगा नहीं, लाइव स्ट्रीम करेंगे जो उनसे होगा नहीं, उसमें से ये देख लीजिएगा, ईवीएम में एक नंबर होता है, वो नंबर चुनाव आयोग से होना चाहिए, उसकी गारंटी ले लेना उससे, ठीक है। उसके बाद ईवीएम खुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जब वो हैक करे तो लाइव स्ट्रीम में हैक ही करवाइएगा, बातों में मत उड़वाइएगा उसे, ठीक है। और वो ओरिजिनल ईवीएम होनी चाहिए, जैसे मेरे घर में बच्चों के पास वीडियो गेम्स हैं, गन्स हैं, और वो आपको याद होगा यूपी में असली के वो बंदूकें मिलती हैं, ठीक है, जो लाइसेंस हम लोग एक लाइसेंस आप वो विभाग से लेते हैं, कलेक्ट्री से लेते हैं लाइसेंस, और उसके बाद लाइसेंस हम अपनी पॉकेट अकॉर्डिंग बंदूक खरीदते हैं और हम बंदूक चला लेते हैं, ठीक है, पढ़ने पर। उसी तरह वो ईवीएम वही देख लेना, ईवीएम असली हो, एवें हमें बंदूक नकली बंदूक की तरह नकली ईवीएम ना हो, क्योंकि अभी तक जो लोग भी अपने घर से ईवीएम लेके आए हैं ना, वो नकली ईवीएम लेके आए हैं, ठीक है। हाँ, ईवीएम हैक हो सकती है, जैसे आपका टीवी है, टीवी के अंदर कोई वाईफाई नहीं हो, टीवी के अंदर कुछ ना हो, पर रिमोट से वो एक्सेस हो जाता है, इसी तरह से ईवीएम भी हो सकता है, यहाँ यहाँ पड़ी है और यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर रिमोट से, जैसे रिमोट कार चलती है, उसमें वाईफाई नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, ठीक है ना, फिर भी वो रिमोट से चलती है, तो हार्डवेयर की कनेक्टिविटी हो सकती है, और हो सकता है उसमें कोई एक और डिवाइस लग गई हो जिस वजह से वो वाईफाई से भी होती हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी चीजें बनती हैं उसको चलाने से पहले उसको बिगाड़ने के जुगाड़ बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे मेरे शक थे, और आज के बाद उन लोगों से भी जरा मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ, 11 तारीख तक आप मेरे ग्रुप में भी,
देखो मैं सॉरी टू से, मैं पीए नहीं थी, और धर्मेंद्र मेहता जी, मुझे नहीं पता आप कौन है, मैं पीए नहीं थी। मैं आज भी अभी को गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो भी एक बहकावे में आया हुआ है। जब आप सब लोग सुनने वाले, जो कुछ लोग हैं, सुज्जा जी जय, सुज्जा जी जय, जब वो बहकावे में आ सकते हैं तो वो भी आ सकता है। वो कोई खास बात नहीं है, हर एक इंसान आता है बहकावे में, और जब तक उसको समझ नहीं आती ना वो बहकावे में है, वो गलत दुनिया में है, तब तक वो अपने आप को बिल्कुल सही मानता है, चूड़ा होके बोलता है मैं सही हूँ। वक्त तब देखा जाएगा जब उनके त्रुप के नहीं है, वो खोटा सिक्का है। जब वो खोटा सिक्का, कई बार क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं ना खोटा सिक्का लेके बाजार में, चीजी लेने के लिए, टॉफी लेने के लिए, तो वो भी खोटा सिक्का, आप टॉफी लेने के लिए वो बैठ गया, तो गलती होगी है, कोई बात नहीं, वक्त आएगा शायद सही हो जाएगा। अमेरिका भी करवा सकता वो अपने पसंद की सरकार हर देश में, हो सकता है अमेरिका ने खरीद लिया हो। जी बिल्कुल, सुज्जा बेवकूफ है, पागल है, आप उसकी फिक्र ना करें डॉक्टर साहिबा, आप उसको पब्लिसिटी दे। नहीं, मैं मिस्टर बदर, मैं उनको पब्लिसिटी नहीं दे रही हूँ। पता क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ना ब्लड होता है, पर वो क्रांतिकारी नहीं होता। अब नाम सबको क्रांतिकारी पता है, जैसे टैटू बनवा लेते हैं लोग, अपना नाम वीर बहादुर रख लेते हैं, पर जरूरी थोड़ा वो वीर बहादुर हो सकता, वो चूहे से डरता हूँ। पर इसलिए अब मैं फ्रीडम फाइटर की डॉटर हूँ, ठीक है, मेरे फादर एयरफोर्स वाले हैं। अगर किसी और के पिताजी हैं ना सेना में, तो मेरे फादर एयरफोर्स के हैं, ठीक है। और 47 की पार्टीशन के अंदर हम लोग इधर आए थे, ठीक है, हम उस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे जिस पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया था। और मेरी मदर, उनका खून है जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भागीदारी की थी, कूदे थे बीच में, 4 साल जेल यात्राएं की थी, पेंशन भी आती थी, और ये पेंशन के पेपर्स भी हैं मेरे पास, ठीक है, पुख्ता सबूतों से। अब जो अंदर खून है ना, ये खोल जाता है, गलत लगता है, चीखना पड़ता है। तो मैं उनको, सुजा को पब्लिसिटी नहीं दे रही, पब्लिसिटी तो वो दे रहे हैं जो सनी लियोनी को देते हैं। थोड़े दिन पहले बोलते हैं मैं हीरो बना दो, मुझे मुझे ये बना दिया मुझे। अरे बाबा, आप तो उन्हीं के हीरो हैं जिनके फोन में सनी लियोनी होती है और उनके फोन पे लॉक लगा होता है, ठीक है, उनके बीवी बच्चे भी नहीं देख पाते उनका फोन। नहीं, मैं आई एम नहीं, आप मुझे अगर सोच रहे हैं मैं एमगीडी से अलग हो गई, नहीं, मेरी विचारधारा आज भी वही है कि देश देश देश, ना बिकूंगी ना बिकने वालों के साथ रहूंगी। और उग्रवाद के साथ अगर कोई रहता है तो वो उग्रवादी होता है, गद्दार के साथ जो रहता है वो गद्दारी होता है। और अगर आप खुदा की इबादत करने वाले, यीशु मसीह की इबादत करने वाले, नानक की इबादत करने वाले, या भगवान की इबादत करने वालों के साथ रहते हैं, तो थोड़े से आप भी संस्कारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गलत लोगों का साथ नहीं देती, उनके पास खोटा सिक्का है ये अच्छे से जानते हैं, पर जिद पर कोई बात नहीं, कई बार होता है गलती हो जाती है, और हो सकता सुज्जा बड़ा महान भी हो, तो मुझसे भी गलती हुई हो, ये कोई खास बात नहीं है। पर जैसे मैंने अच्छी चीजें सीखी हैं, जयपुर में सबसे बड़ा फ्रॉड अविनाश ढांडिया ने किया था, बग गया था, घर तक जानता हूँ, जयपुर में ही रहता हूँ। जी हो सकता है आप जानते हो, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं उनकी तह तक नहीं पहुँची, और मैं किसी की तह तक नहीं जाती हूँ कि जब तक मुझे वो इंसान कल्प्रेट नहीं लगता। और मैंने उनसे ये सीखा है, आप लोग जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सबसे भाईचारे से बात करना सीखा है, तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। और मैंने अगर उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं उनके लिए उनको कभी मना नहीं कर सकती। जैसे आप 5वीं में एक टीचर से हिस्ट्री सीखते हैं, और हो सकता है आप 8वीं में आए उसी हिस्ट्री में फेल हो जाएं, और क्या 5वीं वाले टीचर को आप गाली देने जाएंगे? आगे बढ़ते जाइए ना, पीछे क्यों सोचना। नहीं देखो, मुझे मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं कभी लड़ाइयों में नहीं झांकती। एमकेडी की लड़ाइयाँ किससे हुई, किसकी किससे हुई, मुझे कोई मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ अपने रास्ते पे चलती हूँ कि मैं मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालूंगी, और अपशब्द अगर निकलता भी और मुझे रियलाइज हो जाता है, मैं उसी टाइम क्षमा मांग लेती हूँ। और अभी भी कहती हूँ कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सत्य की जीत होती है, सत्य कभी छिप नहीं सकता, बाहर आकर ही रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, अभी उन्होंने ऑडियो के टेप दिए, प्रूफ उनका था नहीं, जगह जगह की क्लिप उठाई, और उसके बाद बचे हुए मिनट कहाँ गए, ठीक है ना, तो वो भी नहीं वो दे पाए। तो ये सब चीजें हैं, इसके अलावा और कोई, अगर कोई और हो तो बताओ। मैं पीछे नहीं जाना चाहती, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होंगे और उनमें से मैं आधे नहीं पढ़ूंगी, तो आप सब लोगों को बुरा लगेगा। और किसी और का कुछ हो तो आप मुझे बताइए, और याद रखिएगा, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीता है। आप टिकट नहीं दिया इसी के, अरे टिकट नहीं दिया, आप सुनिए, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है। देखिए, आप
उपदिनेश प्रसाद जी, मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उम्र के साथ सब चीज़ें सही लगती हैं और मैं आपको अपने आप को, हाँ मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मुझे मुझे भी कुछ बोला गया था, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं था, पर स्टिल हम टूटे हुए टुकड़ों पर नहीं जाते। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ का टुकड़ा फल होता है ना, वो उतरा उतारो और फिर खाओ, और गिरे हुए फल ना आप खरात में देते हैं, तो गिरी हुई टिकट मैंने लिया करती। सुजा को जानता हूँ कौन था डॉक्टर साहब, इसमें तो गलती अभी डांडिया की है, हो सकता है उनकी गलती हो, उन्होंने माना हो, पर स्टिल मुझे अभी जो लग रहा है, मुझे सुजा दिख रहा है, तो मैं सुजा के बारे में बोलूंगी क्योंकि वही एक नकाब पहन के आया था, जैसे आपके रामदेव जी वो एक एक वो पंडाल से सलवार सूट पहन के भागे थे, तो कल्प्रेट रामदेव दिखता है, उसके पीछे कितने लोग हैं आपको क्या पता, मुझे क्या पता मैडम, हो सकता है टाइम पे इनका खुलासा हो। अरे टाइम पे क्या भाई साहब, इनका खुलासा तो हर हालत में होकर रहेगा, हर हालत में होकर रहेगा, क्योंकि इन तेलों में तेल नहीं है, ये बिन पेंदे के लोटे हैं। और कुछ कुछ बोलना चाहता है, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताइए, मैं फिर से अपने चारों शक जाहिर कर देती हूँ जो भी फिर से जुड़े होंगे। नंबर एक, ये बीजेपी ने खरीदा था, दूसरी बार बीजेपी से वो आपका इलेक्शन फेल हो गया था, और तीसरी बार अब यहाँ पे बीजेपी फिर से इसको खरीद के काम करना चाहती है। तीन बार बिक गया, तीनों बार का बिका हुआ पैसा कहाँ है, और करोड़ों में बिका होगा ना, छोटे मोटे में नहीं बिका होगा। और मेरे तो सुनने में आया कि बंगला बने न्यारा, और तो इनका एक बहुत बड़ा बंगला भी है, मुझे किसी ने खास ने बताया, नाम नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है, अब उनको खुद ही पता लग जाएगा। हाँ मैं इतनी सारी बात भी बता सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा शक ये है कि कांग्रेस को पता था कि उसको इस इलेक्शन में जीत नहीं मिलेगी, विन विन सिचुएशन नहीं होगी, तो एक काम करते हैं, 40 वोट हमें मिलने हैं, 60 इसको मिलने हैं, इसके 20 वोट काट, 40 40 पर रहेंगे, वो 20 वोट है 10 इधर चले जाएंगे, बराबरी पे आगे, हमारी तो बढ़ोतरी होगी, इनका घाटा हो गया, तो उन्हीं के घाटे में हम लोग खुश हैं, तो दूसरे के घर में घाटा हो जाए हम उसी में खुश हैं, ठीक है। और ये हो सकता है, तीसरे में ये हो सकता है कि टीम के सारे सदस्य बिके ना हो और ये सुज्जा जी बिक गए, और बिकने के बाद इन्होंने सबके साथ, जैसे अभी वो बैठ के ये FB पे बैठ के प्लानिंग करते हैं, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, तो बैठ के उन 8 लोगों को इन्होंने मरवा दिया हो, और खुद ये बच के इनकी डील हुई है, भाई मुझे बचा के वहां ले जाना, मैं तुम्हारी तुत्ती बना दूंगा, तो इन्होंने ये भी कर दिया हो, और उसके बाद कुछ भी हो सकता, ठीक है ना। अब तो बात जो है वो देखा जाएगा, बस यही सही है कि वोट दे। हाँ आप लोगों से बस इतना है कि अपने सही उम्मीदवार को देख के वोट दीजिए, आप बेशक भारतीय प्रभात पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, ऐरा गैरा कोई भी पार्टी हो, पर उस पार्टी के उम्मीदवार की शक्ल देख के करना, बिना शक्ल देखे वोट मत देना, अगर ना समझ आए तो नोटा पे चले जाना। और दूसरी बात, एक चीज और थी, अगर मान लो इनको सुज्जा जी को इतना ही अपने हुनर पे गरूर है, तो सारे के सारे 100 के 100% वोट उठा के नोटा को डाल दो। अब नोटा कब एग्जिस्ट करता है, नोटा का एक एक नियम है, मुझे किसी ने बताया कि नोटा के अंदर अगर आपने 100 100 वोट डाल दिए और 40 वोट एक को डले हुए थे, 30 वोट एक को डले हुए थे, तो मतलब 30 वोट वाला हार जाएगा, 40 वोट वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो नोटा यहाँ पे स्टैंड करता है, तो नोटा के बाद भी जो ज्यादा बहुमत वाली पार्टी होगी वो जीत जाएगी, तो आप में अगर इतना ही हुनर है तो सारे के सारे बटन नोटा पे डाल देते हैं, आपको अपने 400 खड़े करने की क्या जरूरत थी, जब एक बार अपना चमत्कार दिखा दे तो आपकी तो हम साफ वैसे मानते, पैर धो धो के पीते, तब मैं मानती आप भगवान राम जी हैं, पाँव धो धो के पी लेते हैं, क्योंकि हम प्रभु के पाँव पीते हैं धो धो के, चरण चरण अर्चना लेते हैं ना, अर्क लेते हैं, कुछ नहीं, बस इंडिया के रेपुटेशन खराब हो रहा है, हो सकता है। देखो जी अटैक के बारे में इनको क्या कहते हैं, फेब्रवरी लास्ट में बताना था, देखो हमारे पास ये वॉइस थी फेब्रवरी में, वहां ये हुआ था, भाई साहब जब आपको पता था इतना बड़ा कांड होना है तो आपने टाइम से पहले क्यों नहीं दिया, यानी कि आप घर फूक तमाशा देख रहे थे। आज मुझे पता लगे कि आप में से किसी के घर भी, चलो बद्रुद्दीन जी आपके घर में ही, मदर जी आपके घर में ही आग लगने वाली है, तो मैं फोन करके बोलूंगी कि भाई साहब जरा बच जाइएगा, आपके घर आग लगने वाली है, और आपके पास CD वॉइस सब कुछ आ गया था, तो आपने क्यों नहीं बचा दिया, पैसे में बड़ी ताकत होती है, हमारे देश में बिकने वालों की कमी नहीं है, बिल्कुल जी ये भी उन्हीं में से एक है। क्षमा चाहूंगी, पानी पी रहे हो जी, तो ये सब चीजें हैं। आगे और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, वैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रूफ एक ही था मेरे पास जो आज वो लेके आए थे, किसी की छवि खराब करने के लिए, भाई तुम खानदानी नहीं, कोई हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे पल्ले में पैसा नहीं, तुमने हाथ पर घसीट के पैसा बनाया होगा या बिक के पैसा बकाया होगा, तो वो बिके नहीं है, उनके पास खानदानी पैसा है, तो ये प्रूफ है मेरे पास, और इतना चौड़ा होकर प्रूफ दे रही हूँ, किसी के पास प्रूफ हो तो वो आ जाना, ठीक है, और जो आए ना वो छुज्जा का एक आई कार्ड ले आना, ठीक है, और कोई
नहीं, मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी, सॉरी। नहीं, और बताइए, सब लोग बात कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, पर मैं ऐड किसी को नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है ना, मेरी विचारधारा है, मैं अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ। क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई उनकी साइड लेने वाला हो, वो आके मुझे कुछ कह जाए, फिर मुझे किसी से अपशब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं आपको भी ऐड नहीं करूंगी, सॉरी, ये आप अपनी लाइव में कीजिएगा, माफी चाहूंगी, मैंने आज तक अपनी लाइव में किसी को ऐड नहीं किया। सुजा नोटा नहीं करेगा, पिटाई होगी इससे, जिससे वो डॉलर दिए हैं वो बहुत मारेगा उसको। हो सकता है, हम नहीं जानते, पर मैं इतना ही जानती हूँ कि वो लेटेस्ट जो फिरौती वाले, उनको 1,40,000 1,40,000 डॉलर मिले थे भाई साहब। उसको खोलने का अधिकार आपका नहीं था उसके ऊपर, उसके जो जो वो देखे गया था, उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। जब वो देने आया था तो आपके डोर के ऊपर एक कैमरा लगा होना चाहिए, और अमेरिका में तो फैसिलिटी होती है, आप तो बहुत पॉश कंट्री में रहते हैं, तो उसके बाद आपने उसी टाइम पुलिस को क्यों नहीं? और हो सकता है उसके अंदर वो पैसे ना होते, बम होता तो क्या करते, ठीक है ना? बम भी तो हो सकता था ना, जब तक आप पॉली बैग को नहीं खोलेंगे तब तक नहीं पता लगेगा, तो उसमें बम भी हो सकता था। आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और किसने बोला 1,40,000 है? क्या वो बैग खोलते हुए बंदे ने देखे गया? खोलने के बाद क्या उसने आपकी वीडियो बनाई? हम लोगों को कोई गिफ्ट भी मिलता है तो हम उसकी वीडियो बना लेते हैं ना, आपने बनाई, हो सकता है उसमें 1,00,000 नहीं तो 2,00,000 होते, 4,00,000 होते, हमें क्या पता। नहीं, मैं ब्लॉक नहीं करूंगी, सॉरी, मैं ब्लॉक सिर्फ उसको करती हूँ जो मेरी वॉल पे आके गाली देके जाता है या अपशब्द लिख के जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाली आगे वाली पीढ़ियाँ, या मेरे साथ के आप जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी मर्द हैं, जितने भी औरतें हैं, वो किसी गलत वर्ड को पढ़ें। मैं जितना कोशिश करना चाहूँगी कि आप अच्छे और साफ सुथरे वर्ड बोलें और साफ सुथरे वर्ड यहाँ लिखें, यहाँ भाईचारा निभाएं। आप किसी को भाई बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं भाई बोल सकते हैं तो मत बोलिए, बस यहाँ पे लोग गालियाँ देने ज़्यादा आते हैं, तो जो गालियाँ देने आते हैं मैं उनको हटा देती हूँ, ठीक है? उनको ब्लॉक करती हूँ, इसके अलावा नहीं करती, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है। आप मेरे घर में आ जाओ, बाहर गेट पर खड़ोगे, गाली दो, तो मैं ऑब्वियसली पुलिस को बुलाऊंगी, तो इसी वजह से यहाँ पुलिस नहीं आ सकती। तो ये है, सबको पता है कि एक स्टंट है, बिल्कुल ही पब्लिसिटी का एक स्टंट है। आप अपने पैसे का भी तो डिटेल दे दीजिए ना, आपने कितना पैसा खाया, आप इतना ही है तो अपने बैंक अकाउंट्स बताइए, और अपने वो 10-12, जैसे इनकम टैक्स वाली रेड मारते हैं तो 10-12 परिवारों के बारे में भी पूछते हैं, तो आप भी बता दीजिए कि आपने किसको कितने पैसे दिए हुए हैं, आपने कितनी प्रॉपर्टियां लेके दी हैं मंत्रियों की। चलो ठीक है, ये संतरी मंत्री जितने भी हैं चुनाव के टाइम पे अपनी डिटेल देते हैं, क्या आप अपनी डिटेल दे सकते हैं? नहीं, देखो राज श्रीवास्तव जी, मुझे बुरी नज़र किसी की नहीं लगी, और आज भी मिस्टर रवि से जितने चेंजेस हुए मैं उनको सलाम करती हूँ, ठीक है? मिस्टर रफीक से जितने चेंजेस हुए उसको सलाम करती हूँ, रिजवी भाई से जितने चेंजेस हुए उसको सलाम करती हूँ, ठीक है? और उसके बाद अशरफ भैया को मैं सलाम करती हूँ, अशरफ भैया को करती हूँ। इस तरह से मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा एक करेक्टर से है। अच्छा, एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। घर में एक छोटा बच्चा है, उसको डॉक्टर साहब बीजेपी के खिलाफ मत बोलो, हम आपको राजस्थान की स्मृति ईरानी बना देंगे बिना चुनाव जीते। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सुप्रिया कपूर ही ठीक हूँ, मैं मेरे फादर की डॉटर ही ठीक हूँ, दो वक्त की रोटी कमाती हूँ, खून पसीने की कमाई से कमाती हूँ, बस इतना ही बहुत है। किसी पर विश्वास मत करो, खुद के अलावा एक अच्छे उम्मीदवार को, बिल्कुल एक अच्छे उम्मीदवार को ही वोट दीजिए, गुलामी मत कीजिए। आपको नहीं दीदी, इस एमकेडी परिवार को देखिए, परिवार, अब मैं बता देती हूँ आपको, छोटी सी एक एग्जाम्पल और देती हूँ, परिवार की बात करते हैं। तो एक परिवार था, पति पत्नी थे, तो पति के एक दोस्त आए, चलो मिस्टर शर्मा का नाम ले लेते हैं, मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा, और उनके दो बच्चे घर में रहा करते थे, एक बेटा एंड बेटी। अब मिस्टर शर्मा के एक दोस्त बने, चलो मैं मिस्टर कपूर ही बनाती हूँ, मिस्टर कपूर बने। अब मिस्टर कपूर की गंदी हैवानियत वाली नज़र वो मिस्टर शर्मा की बेटी पे थी। वो अंकल अंकल थे, पापा रोज आते थे शाम को ऑफिस से आते थे, तो कपूर अंकल और पापा दोनों बैठ के आराम से बैठते थे, खाते पीते थे। अब वो जो कपूर अंकल थे उनकी नज़र पूरी की पूरी शर्मा जी की डॉटर पे थी। अब वो क्या करते थे, जिस दिन शर्मा जी नहीं होते थे, दिन में आ जाते थे कोई चीज़ देने के लिए, तो बेटी को आके छेड़ जाते थे, जिस तरह से जिसको बोलते हैं बच्चों को असॉल्ट करना, ठीक है? तो इस तरह से वो छेड़ जाते थे। अब वो बच्ची अंदर से कुड़ती थी,
कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अब वो पापा को बताना चाहती है, पर पापा कहते नहीं, कपूर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कपूर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कपूर मेरा बहुत अच्छा है, मैं नहीं बात सुनूंगा बेटा, तुम गलत हो, तुम ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम ऐसे मत करो, अपनी बीवी को ले जाओ, इसको संभाल दे, आज के बाद मैं शाम को घर आऊंगा, किसी के सामने बाहर नहीं आएगी, ये कमरे में बंद रहेगी। अभी बात बताओ, उस बच्चे को तो अंकल ने टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, सब कुछ किया, और उसके बाद भी उस बच्चे को उसके पिता नहीं बचा रहे, उसकी माँ नहीं बचा रही। वो सभी बच्चों के साथ होता है, जिनके साथ बच्चों का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो सभी बच्चों के साथ यही कहानी होती है। इसी तरह से यही भी एक कहानी है, ये एक चिकनी चुपड़ी वाले अंकल हैं सुज्जा जी, जो परिवार में आ चुके हुए हैं, और जो भी सदस्य हैं ना, वो सारे कयास लगा के बैठे हैं, फेल होगा या पास होगा फिर बोलेंगे, ठीक है, मैं नहीं सोचती, मेरे मन में जो है वो मैंने बोल दिया, मेरे मन में आता गाली नहीं देना गलत है, मैं आके बता जाती हूँ आपको, मैं आके बता जाती हूँ अपने कैसे को अच्छा नहीं समझती थी, आज मैं समझती हूँ, मैं धर्म का भेदभाव करती थी, आज मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, ठीक है, सब लोग भाई लोग हैं, सब लोग बहुत इज्जत से रखते हैं और सब लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, तो मुझे उसमें कुछ पे नहीं है। मैं समझ गया मिस्टर कपूर अभी डांडिया नहीं, वो मिस्टर कपूर जो कपूर अंकल थे ना, वो सुज्जा जी थे, वो सुज्जा जी हैं करप्टेड इंसान, क्योंकि वो घर के पापा को तो समझ ही नहीं आ रही ना कि बाहर वाला क्यों आया था घर में चिकनी चुपड़ी बनने के लिए। एक और अंकल को मैं जवाब देना चाहती हूँ, आप भी सॉरी पिछली बातें भी अब खोल दी जाए तो एक बहुत बढ़िया, मिस्टर गगन नागपाल हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ तो कैसे हूँ, तो आज मैं उनको बता देती हूँ, अगर वो कहीं से भी सुन रहे होंगे, मेरी फैमिली पंजाब रॉयल चीफ्स की फैमिली है और मेरे पास पुख्ता सबूत है, मुझे मेरी 12 पीढ़ियों के नाम याद हैं, RCINDS BHG JSL, 1530 से मेरी फैमिली की स्टोरी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है, आज जिसको उर्दू में छिद्रा बोला जाता है मेरे पास है, और वो तब भी नागपाल बोला था कि आप कौन से रॉयल फैमिली कौन से, ये वाली बिकती है, ठीक है, मैं जी देखिए किसी को कॉल नहीं करूंगी, जिसने वॉच करना नहीं करना मत करो, मेरे को फैन फॉलोइंग भी नहीं चाहिए, चलिए। इसके अलावा आप एक बार इस वीडियो को दो बार सुनिएगा, तीन बार सुनिएगा, आपको कुछ समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ जाए 11 तारीख को जब ये वो क्या कर लें, हैकिंग जब कर लें, और 100 बटे 100 नील कर लें, वही बात बताओ, 400 कर लें, 500 पूरी सीटें होती हैं ना, तो 500 पूरी सीटें पूरी क्यों नहीं कर दी, पूरे डिपार्टमेंट नाम से रखा हुआ है, बीजेपी का वोट 150 वोट किसके लिए छोड़ दिए, क्यों 400 किए, सारे के सारे सीटें जीरो कर लेते हैं ना, की क्या जरूरत है। इसके अलावा आपको किसी को और देखिए तो उल्टे सीधे और मैं ऐसी ऐसे को तवज्जो भी नहीं देती, ठीक है, और कुछ, चलिए अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, हाँ इसके बाद इस लाइव पे कोई गालियां निकालने मत आना और बुराई करने मत आना, ठीक है, अगर सहमति रखते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं सहमति रखते तो प्लीज आप अपने घर चले जाइएगा, अगर मैंने किसी को कोई भी उल्टा सीधा कमेंट मेरी लाइफ पे देख लिया तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के उसको ब्लॉक कर दूंगी, बैन कर दूंगी, मेरा राइट है, और बाकी मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो मेरी सुज्जा से भी नहीं है, पर जाति नहीं, उससे मेरी सामाजिक और देश की दुश्मनी है, ठीक है, गरीब इंसान नहीं होता, मैंने कब बोला गरीब इंसान नहीं होता, मैंने नहीं बोला जी, गरीब इंसान होता, हो सकता है हो रही हो जी साउंड ब्रेक, माफी चाहती हूँ, चलिए अब इजाजत है हमको, चलिए जी, शबा खैर, सत्यमेव जयते, और प्लीज जिस जिसने अपनी माँ का दूध पिया है ना, आज मैं ललकार के बोलती हूँ, जिस किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है और माँ के दूध की लाज रखनी है, तो कम से कम अपना सच्चा उम्मीदवार चुनना, ठीक है, ये हैकिंग की बोटी के पीछे मत पड़े रहना, अगर आप हैकिंग की बोटी के पीछे रहे तो मैं समझ जाऊंगी आपने माँ के दूध को झुटका दिया, और एक माँ का दूध कभी खराब नहीं होता।
ठीक है, आपकी नीयत खराब हो सकती है, माँ का दूध खराब नहीं हो सकता। ठीक है जी, जय हिंद। चलिए जी, शुक्रिया, जय हिंद। अपनी शक्ल में देखा ही है, हर इंसान भगवान ने अच्छा बनाया, तो आपको भी शायद बनाया होगा, आपको गलत फहमी हो रही है। हो सकता है जी मेरी आवाज क्लियर ना आ रही हो, माफी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। हैकिंग के पीछे मत पड़िएगा, जो पुख्ता सबूत दे बस उसी के साथ चलिएगा। मेरे पास पुख्ता सबूत है, मेरे और मेरे परिवार के और उस चोपड़ा परिवार के जो इन्होंने बोले थे। अगर इनके पास नहीं है तो वो, क्योंकि गूगल में ऐसी बातें पारिवारिक थोड़ा होती है, और अभी मैंने पारिवारिक बात तो कोई बताई नहीं है। हाँ, मैंने प्रूफ दिखाए हैं आपको और आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।